हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे को बहुत बार कमेंट्स में बोला गया है कि मेरे को वीडियोस हिंदी में भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैं अब से कोशिश करूंगा कि मैं दो वीडियो रिलीज करूं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे आइसोपॉड्स के बारे में। तो हम लोगों ने हॉबी में एक प्रॉब्लम हमेशा एनकाउंटर किया है, वो है मोल्ड का। मोल्ड कभी भी कहीं भी आ जाता है एंड दिमाग खराब करके रख देता है। बेसिकली हम एक इस ऐसे जानवर की बात करेंगे जो हमको इस मोल्ड से मुक्ति दिलाएगा बेसिकली। आइसोपॉड्स। आइसोपॉड्स बेसिकली क्रस्टेशंस होते हैं जो कि लॉबस्टर, क्रेफिश, क्रैब से रिलेटेड होते हैं। ये मरीन भी हो सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। तो हम लोग तो बात करेंगे जमीन वाले आइसोपॉड्स की। इनको इनका दूसरा नाम रोली पोली या वुड लाउस भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम लोग कहाँ पे रहते हैं। तो इंडिया में तो वैसे आइसोपॉड्स ऐसे मिलते नहीं है, तो एक ही काम कर सकते हैं, वो है कि हम वाइल्ड से खुद आइसोपॉड्स कलेक्ट करें एंड उसका बेसिकली कल्चर स्टार्ट करें। तो कल्चर स्टार्ट करने के लिए हमको बेसिकली पहले एक अच्छा अमाउंट ऑफ आइसोपॉड चाहिए होगा, एक पॉपुलेशन। फिर उसको हम एक ऐसे डब्बे में डालेंगे जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। बेसिकली आइसोपॉड्स एक दूसरे को वो बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए, जैसे वैसा डब्बा हमको एक चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने सबस्ट्रेट के लिए कोकोपीट और सैंड का एक मिक्सचर यूज करा है जो कि पानी को अपने अंदर सोक करके रखता है। हमको एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करना ही पड़ता है कॉलोनी के, आइसोपॉड कॉलोनी के लिए, क्योंकि उनको पानी पीना जरूरी होता है हर जानवर की तरह। मैं खाना के लिए इन लोगों को फिश फूड और बॉइल्ड वेजिटेबल्स देता हूँ, जैसे कि बॉइल्ड कैरेट्स। और आप लोग देख ही सकते हैं कि आइसोपॉड्स के पास हार्ड एक्सोस्केलेटन है। तो इस एक्सोस्केलेटन को मेंटेन करने के लिए और मोल्ड करने के लिए आइसोपॉड्स को हमको एक बेसिकली कैल्शियम सप्लीमेंट देना पड़ेगा। मैं इन लोगों को कटल फिश बोन देता हूँ जो आप थोड़ी देर में देखोगे वो कैसे खाते हैं। बेसिक केयर यही है आइसोपॉड्स का। अब हाँ, एक और चीज आप ये भी देखेंगे कि मेरे इंक्लोजर में बहुत सारा लीफ लिटर भी है। तो लीफ लिटर बेसिकली दो काम करता है। पहला काम तो यह है कि वो आइसोपॉड को छुपने के लिए एक जगह देता है एंड दूसरा काम है कि वो एक खाने फूड सो ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स का भी काम करता है। तो हम आइसोपॉड्स को टरांटोला के इंक्लोजर में क्यों डालेंगे और ये टरांटोला को कुछ हार्म करेगा या नहीं? आंसर यह है कि हम तो कुछ नहीं करेगा, टेरांटोलास आइसोपॉड्स को इग्नोर करेंगे। आइसोपॉड्स बेसिकली टेरांटोला के इंक्लोजर में जो भी पुराना खाने का सामान पड़ा होगा, जैसे कि तुम्हारे मील वर्म, क्रिकेट्स, कॉकरोचेस के डेड बॉडीज, टेरांटोला के पूप और लीफ लिटर, बेसिकली ये लोग उसको खाएंगे और मोल्ड आउटब्रेक नहीं होने देंगे। आइसोपॉड्स बहुत कुछ प्रकार के मोल्ड को भी डायरेक्टली खाते हैं, लेकिन सारे मोल्ड को नहीं खाएंगे ये लोग। तो इसी के लिए आइसोपॉड्स का एक बायोएक्टिव सेटअप में होना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली क्लीन अप क्रू का काम करता है। बस यही है इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आप अगर यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको पता लगे कि एक इंडियन टेरांटोला चैनल भी है यूट्यूब पे। और मैं हर सैटरडे को वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फिर से मिलते हैं अगले सैटरडे। थैंक यू, सी या।